महक। श्वेत लाना पे भरोसा नहीं कर सकते, चुपचाप मेरे साथ चलो गाड़ी में बैठ। चलो हाँ छोड़ मेरा, तू कौन होता है मेरी परवाह करने वाला? जब दिल किया तो उसी कर ली, जब दिल किया दुश्मनी कर ली, अब मसीहा बन के मेरी मदद करने आ गया? मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। पूजा जी सवाल के भी अनो, या तो आप नरेन बाबू को तड़पा तड़पा कर उस चूल्हे से मारना, या फिर एक ही बार में इन्हें मुक्ति दे दीजिए। ये सुरक्षा कवच है, इस कवच को कुछ ना होने पाए, ये टूटा तो तेरे सांसों की कड़ी भी टूट जाएगी। पूरे इलाके में तलाश करो उन्हें, हर कोना किनारा, मकान दुकान, बस स्टैंड, डीपो, टैक्सी स्टैंड, हर जगह फैल जाओ। वो लोग दिल्ली नहीं पहुंचने चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो तुम लोग ऊपर पहुंच जाओगे। बाबा की मंत्रा पार और इन पेट बोन्स की मसल पार को मिलाकर शौर्य महक को जरूर मिटा दूंगी। क्या चला गया? भी तो यही था। मुझे क्या, क्या जाना है जाए? वैसे भी फालतू की बातें करता है और फिर अपने ही बातों पे टिकता भी नहीं है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। एक बार देखना मेरी तरफ प्लीज यार, एक बार तो मेरी तरफ देख के बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। महक पे भी जान दे दूंगा। जान देनी है तो दे, निकल यहां से, मेरा पीछा छोड़। मैं जान दे दूंगा अपनी मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैं ना तुम्हारे लिए जान दे रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना महक, मेरे मरने के बाद ना तुम्हारे चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए ना उड़ जाएगी। अच्छा तुम्हें मुझ पर यकीन बिल्कुल नहीं? हाँ ए क्या करा भाई, ए अरे भाई मैं, बोलो यू लव मी और नॉट? अपने ये फिल्मी ड्रामे बंद कर, मरना है तो मर। अभी नहीं यार, हमारे भी सिचुएशन बहुत खराब है और अभी जा नहीं सकते, और बारिश भी बहुत हो रही है, तो इट्स बेटर टू स्टे हियर। मैं जा रही हूँ। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि कुछ दवा की दुकान है क्या आसपास। मॉम से बात करनी पड़ेगी, शायद वो मुझे हेल्प। आरुष आई नो, हमने अपनी शादी ऐसे कभी इमेजिन नहीं की थी, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा है। अगर हम
हमें एक साथ लाइफ स्पेंड करनी है आरुष, तो हमें ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। ये तो साइको है, क्या करूं इसका। आई एग्री, हमको ये स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन स्मृति आफ्टर ऑल हम लोग शादी कर रहे हैं ना बेबी, तुम्हें दुल्हन की तरह भी तो दिखना चाहिए ना। आई लव यू आरुष, ने इतना कह दिया मेरे लिए वही बहुत है, लेकिन अभी अभी हमें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए आरुष। डैडी जी हमें ढूंढ रहे होंगे, इससे पहले कि वो हमें ढूंढ ले हम दोनों को यहाँ से शादी करके निकल जाना चाहिए आरुष। कुछ नहीं होगा ऐसा, इतना मत डरो स्मृति, मैं बस अभी तुम्हारे लिए दुल्हन का लिबास लेके आता हूँ, वेट फॉर मी। ओके आरुष, रहने दो ना। जस्ट 2 मिनट्स, वेट हियर, मैं अभी आया बस। लैंडस्लाइड हो रखा है ना, ट्रक अपने F1 की तरह क्यों चला रहा है? अरे सॉरी सॉरी सर। सुन ले यार, तो मुझे ना जकर के पकड़ लो, डरो मत। तुम्हारे जो नए भैया बने ना, ये पूरा भी नहीं मानेंगे। अगर ज्यादा चिपकेगा ना तो गाल पे अच्छे से चिपका दूंगी। जा सकता ना, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों यहाँ रहना, हम दोनों की जान खतरे में। ये है वो बॉम्ब जिसे मैंने उस गिल्ली डंडा प्लेयर के पास भेजा है। परेशान लग रही हो प्रज्ञा? नहीं मैं ठीक हूँ, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। नो, तुम कुछ तो छुपा रही हो। तुम नहीं जानते तुम क्या करने वाले हो, तुम झूमर की रस्सी नहीं अभी और प्रज्ञा के बीच की डोर काटने वाले हो। अब होगा मेरा बदला पूरा। सर, अग्रज खिड़की से भाग गया। I'm sure, वो वहीं गया होगा जहां उसने मुझे दफनाया था। नरेन, अब नेक्स्ट स्टेप लेने का समय आ गया है। आप राहुल के रूम में जाइए, मैं तब तक अग्रज के पास जाती हूँ। अपना ख्याल रखना मेरे लिए। अरे आप शकुनी औरत, हमसे क्या पाप करवाओगी? इस पवित्र पूजा स्थल पर अगर विधवा का साया भी पड़ गया तो घोर अनर्थ होगा। अरे जो औरत दो दो पतियों को खा गई हो उसके हाथ से मंगल होगा? अरे तू जैसी कलंकिनी औरत को तो घर में स्थान नहीं दिया जाता, उसे शहर से बाहर भेज देते, विधवा आश्रम में उसके बाल काट दिए जाते हैं। नहीं है मूर्ति। वो टिंगरे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पर कौन कर सकता है ये काम? ये बोल कहाँ है मूर्ति? अंकल जी आप मेरी बात सुनिए। मैं कबीर अहमद बड़े परेशान दिख रहे हैं।
लगता है उसे कोई पैसा नहीं दे रहा। तुम्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं है कबीर कि तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। अब आगे आगे देखो हम क्या करते हैं, बड़ा मजा आएगा।